देश के अंदर हर जगह पे सीएए के प्रोटेस्ट के लिए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। अभी एनआरसी आना बाकी है। गृह मंत्री अमित शाह ने यह साफ किया था कि एनआरसी आएगा और पूरे देश में आएगा। बहुजन क्रांति मोर्चे की तरफ से पूरा भारत बंद का ऐलान किया गया था। नेरल की जितनी दुकानें हैं, नेरल के जितने ज्वेलर्स हैं, सारे बंद थी, जिसमें सहयोग किया है बहुजन क्रांति मोर्चे को बीआरएसपी के अध्यक्ष मिस्टर सुमित साबले साहब। आइए हम बात करते हैं मिस्टर सुमित साबले साहब से। 29 तारीख को आज पूरे भारत बंद में, नेरल में भी पूरा बंद हमने समर्थन दिया है। बीआरएसपी के पूरे कार्यकर्ता और सभी हमारे मुस्लिम भाई और सभी जाति धर्म के लोगों ने, आज व्यापारियों ने अपने खुद से बंद करके हमको समर्थन दिया है। सुबह 7 बजे से 11 बजे तक पूरा नेरल बंद था और सीएए का कानून जो भारत में लागू हुआ है उसके निषेधार्थ पूरे भारत में बंद है, तो नेरल में भी बंद था। और एनआरसी इस भारत में होने नहीं देंगे। आसाम में एनआरसी हुई, उस एनआरसी में 20 लाख लोगों में से 15 लाख हिंदू एनआरसी में रिजेक्ट आए और 4 लाख मुस्लिम। तो ये 15 लाख हिंदू डिटेंशन कैंप में भेजेंगे आप, उसी तरह पूरे भारत में हिंदुओं की गणना होने के बाद भटके विमुक्त आदिवासी दलित जिन जिन लोगों के पास ये आपके 50 के पुरावे नहीं रहेंगे, वो इस देश से बाहर जाएंगे या तो डिटेंशन कैंप जाएंगे। इसलिए एनआरसी का हम विरोध कर रहे हैं पुरजोर से और एनपीआर का भी विरोध कर रहे हैं। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।